कैसे हैं आप सब दोस्तों। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां कई सप्ताह पहले से ही शुरू हो चुकी है। दुर्गा पूजा समितियों द्वारा पंडाल के थीम का डिजाइन भी तैयार हो चुका है, जबकि कई दुर्गा पूजा पंडाल समितियों ने इस बार के थीम का खुलासा नहीं किया है। इस बार 2023 में दुर्गा पूजा में कोलकाता में काफी भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल समितियों के द्वारा काफी आकर्षक थीम्स पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। दुर्गा पूजा का नाम सुनते ही मन में एक सुंदर एहसास होने लगता है। कोलकाता के सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा पंडाल बनाने वाले लिस्ट में एक नाम संतोष मित्रा स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गोत्सव का भी आता है। तो आइए जानते हैं संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाए जा रहे दुर्गा पूजा पंडाल थीम 2023 के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सन 1936 में कोलकाता के एक दुर्गा पूजा समिति में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया और तब से लेकर ये आयोजन लगातार चलता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संतोष मित्रा स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गोत्सव क्लब का, जिनका दुर्गा पूजा पंडाल नटवर दत्ता रो रोड लेबूतला बो बाजार कोलकाता में बनाया जाता है। संतोष मित्रा स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गोत्सव के पूजा कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप घोष हैं, जबकि यहां के सेक्रेटरी सजल घोष हैं। सन 2021 में स्वामी नारायण मंदिर, 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने वाले संतोष मित्रा स्क्वायर क्लब, जिसने भक्त जनों को इंडिया गेट, लाल किला और पार्लियामेंट हाउस के दर्शन कराए थे, इस वर्ष 2023 में समिति के द्वारा अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्रारूप का दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष बेहद खूबसूरत प्रारूप में दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बात तो सही है। और इस क्लब के प्रतिमा शिल्पी मिंटू पाल हैं, जबकि पंडाल की साज सज्जा महामंगला डेकोरेटर्स के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव पर थीम बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि महामंगला डेकोरेटर्स ही थे, जिन्होंने इस थीम को जीवंत रूप दिया था। इस वर्ष इस दुर्गा पूजा पंडाल में श्री राम और बजरंग बली की 50 फुट की विशाल प्रतिमा लगाई जा रही है। इसके साथ ही साथ माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी। दोस्तों, ये प्रतिमाएं दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। पिछले साल 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव लेबूतला पूजा के सीन थी, जहां से देश माता के बेटे और बेटियों की वीर गाथा को दर्शाया गया था। और इस बार आकर्षक थीम्स अयोध्या के श्री राम मंदिर पर बनाया जा रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी आ सकते हैं। दोस्तों, संतोष मित्रा स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गोत्सव दुर्गा पूजा पंडाल की दूरी हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से महज 6 किलोमीटर की है, जहां तक आप 30 मिनट में भाया बंकिम सेतु और न्यू हावड़ा ब्रिज अप्रोच रोड पहुंच सकते हैं, जबकि यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन लेबूतला रेलवे स्टेशन है। संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल से महज 0.06 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि मेट्रो की बात की जाए तो संतोष मित्रा स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गोत्सव क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल का नजदीकी मेट्रो रेलवे स्टेशन श्याम बाजार मेट्रो है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता वासी हैं या कोलकाता के आसपास के शहरों से बिलोंग करते हैं, तो 2023 के दुर्गा पूजा मेले को देखने और मां भवानी के दर्शन करने के लिए कोलकाता जरूर पहुंचें और कोलकाता में हो रहे आयोजन को ग्रैंड बनाने की कोशिश करें, ताकि पूरी दुनिया हमारे हिंदुत्व एकता को देख सके। तो दोस्तों, आप कोलकाता में किस दुर्गा पूजा पंडाल को देखने इस बार जा रहे हैं और किस दिन आप दुर्गा पूजा पंडाल घूमते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कोलकाता के एक बेहद प्रचलित दुर्गा पूजा समिति संतोष मित्रा स्क्वायर क्लब दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाए जा रहे दुर्गा पूजा पंडाल 2023 के थीम के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।